हेलो माय डियर मीडिया एस्पायरेंट्स, मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं हरिशंकर सोनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। CUHP सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर MA के कोर्सेज चलते हैं मास कम्युनिकेशन और न्यू मीडिया के। तो वहाँ पे जो अभी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे हम जानेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, MA के कोर्सेज कौन से हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज कौन से हैं, कोर्सेज किस तरीके से चलते हैं, फैसिलिटीज क्या है, प्लेसमेंट्स वगैरह कुछ है कि नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी क्या है। तो हमारे साथ जो है हमारे जो आज के गेस्ट हैं वो है शाश्वत शर्मा जी, विपुल बेनीवाल जी, आदर्श यादव और आदर्श चौधरी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मीडिया एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच कि आपने जो है इतना समय हमारे लिए निकाला है। तो स्टार्ट करते हैं हम आदर्श चौधरी जी से। आदर्श जी जी, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कैसा है CUHP, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या है आपका? CUHP की अगर बात करें तो कैंपस वाइज तो थोड़ा कमजोर है, कैंपस छोटा है काफी, लेकिन फैकल्टी काफी अच्छी है और सुविधाएं काफी अच्छी है मीडिया स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास मीडिया लैब है जिसमें लगभग सभी प्रकार के इक्विपमेंट्स हैं जो मीडिया लाइन में काम आते हैं, या किसी भी तरीके की फिल्म मेकिंग हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, डॉक्यूमेंट्री वगैरह हो गई, हर चीज के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। उसके अलावा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए अलग अलग जगह बना रखी है। जैसे एक पोर्शन है जिसमें ग्रीन स्क्रीन है खाली, तो उस पर ग्रीन स्क्रीन पे वीडियो वगैरह शूट हो जाते हैं ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकें। एक है जो इंस्टाग्राम रील वगैरह के लिए अलग से एक पोर्शन बना रखा है, जहाँ पे इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया है उसके लिए वीडियोस वगैरह बनाने के लिए जगह अवेलेबल है। और उसके अलावा अलग अलग गेस्ट फैकल्टीज भी आती रहती हैं जो वर्कशॉप्स वगैरह के माध्यम से हमें पढ़ाती हैं। अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग आते हैं, जैसे अभी रिसेंट में ये जो कॉलेज रोमांस नाम से एक वेब सीरीज अभी आई है, तो उस वेब सीरीज के जो सिनेमाटोग्राफर थे उन्होंने हमारी वर्कशॉप ली, उन्होंने एक दो फिल्मों में भी काम किया है। उनके अलावा जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं वो भी आते रहते हैं, तो सीखने को काफी कुछ मिलता है, फैकल्टी भी काफी एक्सपीरियंस्ड है। आपका MA कोर्सेज है, MA न्यू मीडिया कोर्सेज है एक, तो ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म वाला भी है। तो आप किस कोर्स में हैं अभी? न्यू मीडिया में है ना आप? हेलो, अब आ रही बिल्कुल, आवाज? अब हाँ, बिल्कुल आवाज आ चारों लोग ही रही न्यू मीडिया से हैं सर। है। जी, अच्छा, आप चारों लोग न्यू मीडिया से हैं, तो न्यू मीडिया सबसे बेस्ट कोर्स हाँ है जी, क्या? आने वाले समय में तो यही है शायद, क्योंकि सारा जो चेंज हो रहा है ट्रेडिशनल मीडिया डिजिटल मीडिया में, तो उसके लिए तो काफी अच्छा आप, कोर्स है ये। हाँ, तो वहां पर एक और MA आपकी जो चलती है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन नाम से, तो हाँ जी, वहां के स्टूडेंट से आपसे बात होती होगी, तो वो उससे कितना पीछे आगे कुछ बताओगे? नए एस्पायरेंट्स ये पूछ रहे कि कौन सा कोर्स लें। दोनों साथ साथ में ही चलते हैं एक्चुअली। ये ऐसा नहीं है कि कोई एक आगे है कोई पीछे है। न्यू मीडिया तो ही है क्योंकि ट्रेडिशनल मीडिया है, तो जो उसका ऑनलाइन रूप जो है, उसका डिजिटल रूप जो है ट्रेडिशनल मीडिया का, वही है न्यू मीडिया। तो वहाँ पे आपको हार्ड कोर जर्नलिज्म सिखाई जाती है, ऑन फील्ड चीज़ें सिखाई जाती हैं, कैसे आपको न्यूज़ वैल्यूज होती हैं, टाइमलीनेस वगैरह। सेम यहाँ पर भी है, पर यहाँ पे डिजिटल रूप में उसको सिखाया जाता है। आपको एडिटिंग के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाता है, कैमरा कैसे हैंडल करते हैं, सब चीज़ों के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करवाया जाता है। आपके आदर्श यादव जी कहाँ हैं आप? सर, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आदर्श चौधरी जी ने बताया कि फैकल्टी काफी बढ़िया है, कैंपस छोटा है, लेकिन आप किस उम्मीद से जो है वहां पढ़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वहां आपका प्लेसमेंट हो पाएगा? इतना सुफिशियंट सीखने को मिलता है कि वहाँ करियर लाइफ जो है, क्योंकि बहुत से लोग देखो ऐसा है कि IMC मिला नहीं, ठीक है, जामिया मिला नहीं, तो बहुत से अच्छे अच्छे सबसे टॉप वाले नहीं मिलते, तभी हिमाचल या फिर दूसरे ऑप्शन की ओर जाना ही पड़ता है, साल बर्बाद करने से तो अच्छा ही है। ठीक है, तो इतना मतलब वो है कि उसको बेस्ट ऑप्शन में लिया जा सकता है आपकी यूनिवर्सिटी को? हाँ सर, बेस्ट ऑप्शन में तो लिया जा सकता है, जो कि यहाँ पे फैकल्टी अच्छी है, वो हेल्पिंग है थोड़ी, और मीडिया लैब भी है वहाँ पे, इक्विपमेंट है वो आपके हेल्प करते हैं काफी कुछ, तो चीजें काफी हद में फेवर में रहती हैं, इससे कुछ तो एक्सपोजर मिलता ही है। तो बाकी आप जगह में से, हाँ जी, से जी, आप में से किसी ने सबसे पहले IMC के लिए ट्राई किया होगा, IMC के लिए तो सारे ट्राई किए होंगे सर। है ना? तो वहां नहीं मिलने की कंडीशन में ही जो है आप HP गए हैं, हाँ जी, है ना?
तो फिर अब आपको लगता है कि कुछ मतलब प्लेसमेंट वाइज भी कुछ वहां पे मिल रहा है या कुछ आपके सीनियर्स ने बताया हो आपकी जानकारी में हो? प्लेसमेंट का तो कुछ होता तो है, मतलब फैकल्टी ट्राई तो करती है बट जिसको चाहिए होता है। दरअसल क्या है कि यहाँ पे थोड़ा एक एकेडमिक का ज्यादा वो है एनवायरनमेंट, मतलब एकेडमिक में जो लोग ज्यादा जाना पसंद करते हैं और ऐसे जॉब के लिए कम ही लोग होते हैं, तो फैकल्टी ट्राई करती है, मिलता भी है लोगों को, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। और यहाँ पे लोकल न्यूज़ चैनल्स है, वहाँ पे भी लोग काम करते हैं यहाँ से, और बाहर भी जाते हैं लोग। तो यही है, मतलब दो तरह के एनवायरनमेंट है, कि थोड़ा उसका एकेडमिक वाला थोड़ा ज्यादा है, एकेडमिक तरफ ज्यादा ध्यान रखते हैं लोग यहाँ पे, और बस। बिल्कुल जी, आप किस में जाना चाहते हैं, एकेडमिक्स में या फिर इंडस्ट्री में जाने का मन है? वो बिल्कुल एक्चुअली लाइट चली गई थी तो वाईफाई बंद हो गया था मोबाइल नेटवर्क कोई की। दिक्कत नहीं है। तो आप जो है किस में जाना चाहते हैं, एकेडमिक्स में जाने का मन है कि आप जो है इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, किस पर्पस से जो है आप वहां पढ़ रहे हैं? सर फिलहाल तो इंडस्ट्री में काम करने का ही है, पर जैसे कि अभी आदर्श जी ने बताया यहाँ पे एकेडमिक्स का ज्यादा चलता है। और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो यूनिवर्सिटी लेवल पे थोड़ा सा कम है, पर टीचर्स अपनी तरफ से पूरी पूरा प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। जैसे यहाँ पे हमारे डीन है राय सर, तो वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं अभी हम बच्चों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। 2 4 बच्चे पहले हुए भी है लास्ट बैच में। तो आपको फिर अपनी ओर से भी कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होता होगा, आपको एक्स्ट्रा भी कुछ प्रोफेसर सजेस्ट करते होंगे कि भाई यूट्यूब चैनल पे काम कर लो, या बीच में कहीं इंटर्नशिप के लिए भेजते होंगे? बिल्कुल सर, जैसे कि अभी यहाँ पे हमारा सारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हमारी लैब के अंदर सारा सामान है, जैसे कि अभी आदर्श चौधरी जी ने बताया था ग्रीन स्क्रीन भी है हमारे पास, 3 पॉइंट लाइटिंग वगैरह सब कुछ हमें सिखाया जा रहा है। तो साथ साथ जैसे हमने अपने क्लास का ही एक ग्रुप यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर एक चैनल बना रखा है इन्फो हट कर नाम से, उसके ऊपर हमको टेंट डालते रहते हैं, तो वैसा हम ट्राई कर रहे हैं। साथ में टीचर्स कहते हैं खुद का भी शुरू करो, हम खुद का भी प्रयास करें। हम सभी के यूट्यूब चैनल चलते हैं, हम जितने भी 3 4 लोग आपके सामने हैं, और हम सभी प्रयास कर रहे हैं। रीच भी धीरे धीरे अच्छी आ रही है, कुछ वीडियोज हमारी अच्छी चली है, जैसे कि आदर्श चौधरी जी ने अभी एक वहीं के रीजनल चैनल के लिए भी एक वीडियो बनाई थी, ये अजमेर 1992 जो कांड हुआ था उसके ऊपर, हाँ तो वो हाँ अच्छी हाँ उसके ऊपर अच्छी रीच मिली। तो वो सब कुछ यूनिवर्सिटी के कारण ही हुआ, हमें यहाँ पे सीखने को मिल रहा है, कुछ हमारा पहले का ज्ञान था, कुछ इंटरेस्ट भी है इसमें। अच्छा, आदर्श जी, मैं आदर्श चौधरी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि टाइमिंग क्या रहती है क्लासेस की, सुबह से शाम तक क्या रहती है? सुबह से अभी तो 9:30 स्टार्ट हो जाती है, पर 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलते रहते हैं, और बाद में 4 बजे तक चलती है, बीच में लंच टाइम होता है 1.5 घंटे का। ठीक है, और ये सैटरडे संडे छुट्टी रहती है या फिर केवल संडे को छुट्टी होती है? सैटरडे संडे छुट्टी रहती है और हर फ्राइडे फिल्म स्क्रीनिंग होती है जिसपे बाद में डिस्कशन होता है। अच्छा, फिल्म स्क्रीनिंग मतलब कि किस तरीके से? मतलब एक ऑडिटोरियम है, उसके अंदर प्रोजेक्टर के ऊपर हमें मूवी दिखाते हैं, कोई भी मूवी दिखा देते हैं, ज्यादातर वो मूवीज दिखाते हैं जिनका फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक अहम रोल रहा हो, जैसे परिवर्तन में मान लीजिए, या ऐसी कोई मूवी जो समाज के लिए कुछ शिक्षा देती है, या जिसमें डायरेक्टर्स वगैरह को थोड़ी कठिनाई आई हो, या लीक से हटके उन्होंने कुछ काम किया हो, ऐसी मूवीज दिखाते हैं। फिर उन पर डिस्कशन चलता है 1.5 2 घंटे, उनके बारे में बातचीत होती है कि उन मूवी से और क्या बेहतर हो सकता था, क्या कमी लगी, ताकि तो इस बच्चे उस हिसाब चीज से मतलब ये बताने से मेरे को ये समझ में आ रहा है कि आपकी यूनिवर्सिटी एफर्ट तो काफी अच्छा लगा रही है, कुछ ना कुछ है, हाँ मतलब कि कोशिश कर आईएमसी रहे में एक शुक्रवार संवाद नाम से प्रोग्राम चलता है जिसमें बाहर से गेस्ट फैकल्टी हमेशा हैं। आती है, ठीक है, वो अपना जो है एक मतलब पूरा एक संयुक्त रूप से जितने भी कोर्सेज है ना उन सबका एक साथ ही चलता है। तो मेरे ख्याल से उस तरह का प्रयास जो है आपके यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप में से किसी ने इंटर्नशिप वगैरह भी की है साथ साथ में? साथ में नहीं की, पर अभी हम लोगों को कहा गया था कि ये जो 1 महीने की हमारी छुट्टियां हुई थी तो उसके अंदर की इंटर्नशिप करो सब लोग, लेकिन मैं तो यहाँ का राजस्थान का रीजनल चैनल है उसमें जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो अच्छा मेरा अच्छा तो इंटर्नशिप एक जैसा ही हो गया, तो इसलिए मैंने ठीक तो है। किया नहीं, लेकिन काफी बच्चों ने की है। और प्लस इंटर्नशिप का ऐसा है कि जो लास्ट सेमेस्टर होगा उसमें हमको 3 महीने की इंटर्नशिप कंपल्सरी है, अगर हम लोग डिसर्टेशन या डॉक्यूमेंट्री नहीं लेते हैं तो ऑप्शन में। ठीक है, मैं चाहूंगा कि आप में से जो भी कोई अपना कांटेक्ट अगर देना चाहते हैं तो चैट में आप लिख दीजिए, ताकि CUHP को लेकर किसी तरह की किसी को दिक्कत हो तो वो आपसे बात कर ले, जैसे ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल, जो भी अगर आप लिखना चाहें।
तो आप चैट में लिख दीजिए। और लास्ट में मैं यही चाहूंगा कि आप एक मैसेज जो है CUHP को लेकर एस्पायरेंट्स को दें। जी आदर्श जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि CUHP बहुत अच्छी जगह पे है, धौलाधार की खूबसूरत वादियों में बसा हुआ है, और लोग आए यहाँ पे अपने आप को पढ़ाई वढ़ाई करें। अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पे, चीजें, फैकल्टी अच्छी है। बस यही होता है, फैकल्टी अच्छी मिल जाए तो बस चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, 2 साल बड़े आसान से कट जाते हैं और पता ही नहीं चलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छी फैकल्टी है और काफी हेल्पिंग लोग हैं, और आपको जॉब को लेके भी लास्ट तक हेल्प करेंगे। मतलब यही है, आइए पढ़िए बस। विपुल जी, विपुल जी क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैसेज यही है कि यहाँ पे आए बच्चे, और जो बच्चे खुद का, जैसे कि आजकल सभी के होता है, हमें अपना सोशल मीडिया शुरू करना है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर जो बच्चे वो करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल काम भी सिखाया जाता है और आपको यहाँ पे भी बहुत एक्सपोजर मिलेगा, क्योंकि पहले से बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं यहाँ पे, और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर, जैसे अपने शाश्वत जी है, ये भी इन्फ्लुएंसर ही है, इनके भी इंस्टाग्राम के ऊपर 15K+ फॉलोवर्स है। तो ऐसे करके जो बच्चे यहाँ पे आना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा एक्सपोजर है यहाँ पे, जो खुद कुछ बहुत करना चाहते हैं अपने बढ़िया, लेवल पे, बाकी नाइस। एकेडमिक वगैरह तो चलता ही है सर। आदर्श जी, आपका मैसेज बताइए, देखिए। मेरा मैसेज तो यही रहेगा कि जैसे मेरे को जहां तक लगता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में आने के बाद कॉलेज का इतना खास फर्क पड़ता नहीं है। बच्चे जिस तरीके से मेहनत करते हैं उस तरीके से उनको सफलता मिलती है। टीचर्स तो बस एक तरीके से गाइड करने के लिए वहां रहते हैं और आपके लिंक्स बनाने के लिए रहते हैं कि आपके मीडिया लाइन में या जिस भी लाइन में आप एज अपना फ्यूचर देखते हो उस लाइन में आपके लिंक्स बने। तो मेहनत तो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी, वो आप कहीं भी कर सकते हैं, चाहे IIMC हो चाहे CUHP हो, प्लस यहाँ के टीचर्स हैं वो आपको गाइड भी करेंगे। और उसके अलावा आपकी जो भी फील्ड है, हर फील्ड के आपको आपके सीनियर्स भी मिल जाएंगे। जैसे हम 4 लोग हैं तो हम में शाश्वत है, वो वीडियो एडिटिंग और कैमरा के अंदर काफी अच्छा काम करता है। वहाँ के जो लोकल एरिया है, जैसे धर्मशाला में जो पार्टीज वगैरह होती हैं, कोई इवेंट वगैरह होती है, वहाँ जाके उनको शूट भी करता है, तो एज ए सीनियर भी हम लोग गाइड कर सकते हैं। मैं लिखता हूँ, उसके साथ साथ फील्ड रिपोर्टिंग का भी मेरा अनुभव रहा हुआ है, तो मैं उसमें मैं गाइड कर सकता हूँ। विपुल है, वो कंटेंट क्रिएटर है, वो अपना कंटेंट बनाता है और उसका भी रीजनल चैनल है, तो उस एक तरीके से वो जरूरी गाइड। चीज मैं आपसे पूछना भूल गया कि ये CUHP मेनली धर्मशाला में है ना, ये मीडिया वाले कोर्सेज का सारा सब कुछ? हाँ, मीडिया वाले कोर्सेस का पूरा धर्मशाला में है। एक दिक्कत है कि जैसे हॉस्टल है वो थोड़ा दूर है, तो अगर मीडिया कोर्सेस के बच्चे हैं तो उनको वहीं आसपास ही रूम वगैरह रेंट लेना होगा या पीजी लेना होगा, वो भी बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बाकी हम लोग वहाँ हैं, अगर कोई आता है तो हम लोग शोरूम की मदद करेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। कुछ भी अगर रह गया होगा तो आपने कांटेक्ट दिया है, बाकी मैं आपको मैसेज करके पूछ लूंगा, और किसी तरह की दिक्कत होगी तो आपको बताया जाएगा, ठीक है? और आई होप कि आप सब लोग मदद करेंगे, ठीक है? और बिल्कुल सर, डेफिनेटली बिल्कुल। कंक्लूजन यही है कि CUHP, अगर आपका IMC वगैरह में नहीं हो पाता तो फिर CUHP एक अच्छा ऑप्शन है जिसे आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा ओके लगा सर, आप लोगों से बात थैंक करके। यू सो मच सर, थैंक यू ओके सर, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।